दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रैक्टर के पीटीओ की, क्योंकि ट्रैक्टर हमेशा ताकत भार इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। तो तीन तरीके से इसमें भार ताकत इस्तेमाल होती है दोस्त। पहले खींचने की ताकत वो पैदा करता है, फिर लिफ्ट की ताकत करता है, तीसरा पावर टेक ऑफ शाफ्ट, जो मतलब हम भार घुमा के किसी इंप्लीमेंट को चलाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को जरूर भेजना। तो दोस्तों पीटीओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रैक्टर का, कि आने वाले टाइम में युग में पीटीओ क्यों इंपॉर्टेंट है। और पुराने जमाने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता था, ट्रेल्ड इंप्लीमेंट होते थे, रोटावेटर नहीं होता था तो चल जाता था। अभी इतने तरह के अलग अलग पीटीओ आते हैं, इतने तरह के अलग अलग इंप्लीमेंट आते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ट्रैक्टर लेते हैं तो आपने पुराना ट्रैक्टर भी खरीदा तो भी आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा पीटी इसके अंदर पीटीओ कौन सा है, मेरा इंप्लीमेंट कौन सा चलेगा, रोटावेटर कितने फीट चलेगा, ये पूरा समझना जरूरी है दोस्तों। तो टोटल मिला के 12 तरह के पीटीओ होते हैं दोस्तों। अब सोचो हमने तो एक ही सुना था, लेकिन अगर कोई आपको बोलता है कि ग्राउंड पीटीओ ले लो या ये पीटीओ ले लो, ये वाला ट्रैक्टर है हमारा, इसका रेट ज़्यादा है, तो उसका इस्तेमाल भी हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि पूर्णता में ही सब चीज़ होती है। जब तक आप पूरी किताब नहीं पढ़ लेते, अच्छी तरह से उसको याद नहीं कर लेते, तो आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर करते हो। जब तक एक खुद की पूरी जुताई नहीं करते हो, तब तक खेत में बीज नहीं बो सकते हो। और अगर आपने बीज बो दिया और उसकी निराई गुड़ाई और जब तक काट के घर नहीं ले आते हो, तब तक कोई फायदा नहीं। घर भी ले आए फिर बेचा नहीं तो कोई फायदा नहीं, तो पूर्णता नहीं की। तो दोस्तों हमारी जिंदगी के अंदर गरीब रहने का कारण सबसे बड़ी पूर्णता होती है ना। तो हमको पूर्ण करना है कोई भी काम, आज के बाद डिसाइड कीजिए, कोई भी काम करना पूर्ण है। पहले सोच समझ के हम क्लिक करेंगे, फिर उसको पूर्ण कर देंगे, तो इसकी जिंदगी, इससे आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपन चलते हैं। तो पहला सेगमेंट होता है, इसको स्प्लाइन होता है ना, जो झिर्री होती है उसके आधार पर बांटा जाता है। वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है 6 झिर्री वाला, उसमें आपको 540 चक्कर मिलते हैं। अब 540 चक्कर कैसे मिलते हैं, कोई भी ट्रैक्टर होता है उसकी इंजन रेटेड आरपीएम होती है, कोई भी, हर एक ट्रैक्टर के अलग अलग होती है। तो रेटेड आरपीएम पे ट्रैक्टर के अंदर लिखा होता है इतने में 540 चक्कर आपको मिलेंगे, क्योंकि रेटेड आरपीएम पे ट्रैक्टर सबसे ज्यादा अपनी ताकत बनाता है कम डीजल खा के, ठीक है। अगर उससे ज्यादा भी चलाओगे, कम चलाओगे तो एवरेज नहीं आएगी आपकी, तो रेटेड आरपीएम पे। दूसरा 21 जरी 1000 आरपीएम, यानी 21 जरी होती है, उसमें जरी दांते होते हैं ना 21 होते हैं, तो 1000 आरपीएम होता है। तो पहले मैं लिस्ट बता देता हूं, फिर अपने एक एक पे बात करेंगे। फिर तीसरा नंबर है दोस्तों स्पीड के हिसाब से, पहला है सिंगल पीटीओ 540 आरपीएम, सिंगल पीटीओ 1000 आरपीएम, फिर है ड्यूल पीटीओ 540 और 540 इकोनॉमिक, फिर है ड्यूल स्पीड पीटीओ 540 1000, और फिर है एमआर पीटीओ ग्राउंड पीटीओ। ये स्पीड के आधार पे हो गए। अब ऑपरेशन के आधार पे भी तीन होते हैं, टोटल मिला के 11 है, 12 नहीं है ना, तो 11 है। अब ट्रांसमिशन लाइव और इंडिपेंडेंट पीटीओ, पहला ट्रांसमिशन है, दूसरा लाइव है, इंडिपेंडेंट। अब एक एक पे बात करते हैं अपन। सबसे पहले जो आधार पे बांटा गया है स्प्लाइंस के आधार पे, तो आज के युग के अंदर सबसे ज्यादा 6 झिरी वाला चल रहा है 540 आरपीएम। तो जितने भी इंप्लीमेंट बनाए जा रहे हैं जो छोटे हॉर्स पावर के अंदर होते हैं, वो 6 झिरी होता है और 540 आरपीएम के इंप्लीमेंट बनते हैं, और यही ट्रैक्टर मार्केट में आता है। 21 झिरी वाला पहले बहुत सारे ट्रैक्टरों में आता था, लेकिन अभी छोटे ट्रैक्टरों में नहीं आता, बड़े ट्रैक्टरों में आता होगा, वो हमारे इंडिया में अभी आए नहीं है, तो हमको ज्यादा जरूरत भी नहीं है उनकी। तो पहले 6 झिरी हमको ट्रैक्टर लेना है, मतलब जब भी आप डिसाइड करोगे 6 झिरी वाला छोटे एचपी के अंदर, अगर 21 झिरी में जाते हैं तो बड़े एचपी में आता है, तो इट इज अप टू यू आप कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब 6 झिरी 21 झिरी की बात होगी, अब चलते हैं इस पे। 21 झिरी का इंप्लीमेंट नहीं आता, अगर आपने 21 झिरी और 1000 आरपीएम का ट्रैक्टर ले लिया और आपके पास रोटावेटर है वो 540 के हिसाब से है, तो आपको पूरे गेयर वेयर और पूरी शाफ्ट सब बदलना पड़ेगा आपको। तो आपने ये सोच समझ के लेना, मेरा इंप्लीमेंट कौन सा उसी के हिसाब से मेरा ट्रैक्टर मैचिंग हो और चल जाए बस, खत्म का। और सारे इंप्लीमेंट आपको मार्केट में कौन से मिल रहे हैं उसके हिसाब से आपको ट्रैक्टर लेना है, वो 540 है, लेकिन हाँ कहीं जगह 21 चलता हो तो आप देख लीजिएगा, है ना, ज्यादातर 540 होता है सभी ट्रैक्टरों के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं स्पीड के हिसाब से, पहला है सिंगल स्पीड 540 मिलता है, जितने भी सिंगल क्लच ट्रैक्टर आते हैं उसमें 540 ही मिलता है, जो छोटे ट्रैक्टर होते हैं।
उसमें सिर्फ 540 मिलेगा आपको, सिंगल क्लच एक ही स्पीड मिलेगी पीछे, हो गया काम आपका। लेकिन 540 सिंगल मिलता है और छोटे ट्रैक्टर में 1000 भी सिंगल स्पीड में मिलता है आपको। फायदा 540 में ही होता है दोस्तों, क्योंकि सारे इंप्लीमेंट पैसे है ना, तो आपको फायदा कहाँ है, चलाना कहाँ है वो भी अभी पता चल जाएगा। 540 के अंदर रोटावेटर चलता है, थ्रेशर चलता है, जितने भी इंप्लीमेंट हैं जो 540 पे डिजाइन होते हैं वो सारे चलते हैं, पंप हो गया, सारी चीज चलती है। लेकिन कई इंप्लीमेंट होते हैं जिनमें 540 चाहिए लेकिन ताकत कम चाहिए होता है, तो उसके लिए अलग डिजाइन है दोस्तों यहाँ पे। अब मान लो ड्यूल स्पीड पीटीओ की बात करते हैं कि एक मिलता 540, एक 540 इकोनॉमिक। अब मान लो इंजन की रेटेड आरपीएम है 2300 पे ट्रैक्टर चल रहा है और 540 आरपीएम दे रहा है, तो आप रोटावेटर चला सकते हो। लेकिन वहां पे किसी जगह पे लोड कम है आपका, लोड कम है, लोड कम होने की वजह से आपको 540 कम आरपीएम पे भी चलता है ट्रैक्टर, आराम से चलता है। अब जैसे ही कम आरपीएम वाला ट्रैक्टर होगा तो 540 ई पे आप जब पहले 540 आगे पीछे गियर 500 ई पे लगाओगे तो आपको सिर्फ 1300 या 1400 पे 540 मिल जाएगा पीछे। तो हर टाइम पे आपने 700 चक्कर कम कर दिया ना, डीजल एवरेज 1.5 से 2 लीटर पक्का फर्क आ जाएगा आपका, 1 लीटर तो पक्का है। अब हर दिन में 10 घंटे अगर गलती से आपने पंप में चलाया, कहीं और चलाया, तो कितना फायदा होगा आपको दोस्तों। अल्टीनेटर के ऊपर चलाया, कहीं भी ऐसी जगह स्टेशनरी है जहां इकोनॉमी पीटीओ का यूज हो सकता है, आपको बहुत बेनिफिट होगा, तो यह ट्रैक्टर बेनिफिशियल होता है और भी बहुत अच्छा है। दूसरा है हमारा ड्यूल स्पीड 540 और 1000, यह भी वही काम आता है। अब मान लो ड्यूल पीटी में वहां पे इकोनॉमिक लिख दिया गया क्या 540 ही लिख दिया गया, तो लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता, इसको 1000 सेम 540 और 1000 उसी आरपीएम पे मिलता है। लेकिन आपने 540 का ही इंप्लीमेंट डाउन करके चलाना है, मतलब 540 या आपको 1000 वाली स्पीड वाला इंप्लीमेंट है तो यहां पे वो चल जाएगा 1000 वाला। अगर मान लो 540 पे आपने वो चलाना है, 1000 वाले पे 540 चलाना है, तो भी इंप्लीमेंट चल जाएगा यहां पे, लेकिन यहां डीजल एवरेज ज्यादा खाएगा आपका ट्रैक्टर, क्योंकि दोनों सेम स्पीड पे मिल रहे हैं आपको, है ना, उसी स्पीड पे 1000 मिल रहा है उसी स्पीड पे, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर वो इकोनॉमी में है ना। तो ये हो गया फैद। अब बात करते हैं MRPTO की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ। अब इसका क्या काम है, एक स्पीड मिलती है 540 की आपको, जो आप पहले आगे गियर लगाओगे, जैसे ही आप MRPTO को लगा दोगे पीछे, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ बोलते हैं इसको, जैसे पीछे गियर लगाओगे तो आपको गियर में पीटीओ मिलेगा, जैसे 4 गियर है एक रिवर्स है, तो 4 आगे को पीटीओ घूमेंगे और 5वां रिवर्स घूमेगा, जैसे रिवर्स लगाओगे तो रिवर्स पीटीओ रिवर्स हो जाएगा। ये वहां पे काम आता है जहां पे आपका कुछ कचरा फंस गया थ्रेशर के अंदर, रोटावेटर में फंस गया, कुछ भी हो गया, और आप कंबाइन में ट्रैक्टर है तो कंबाइन में आप लगा दिया तो भी वहां पे काम आएगा ये मल्टी स्पीड। और क्योंकि अगर इसके साथ वो अपना डबल से इंडिपेंडेंट क्लच है तो आप कभी भी ट्रैक्टर को रोक सकते हो और बाहर निकाल सकते हो, तो ये बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों, है ना। तो ये बहुत सारे काम करता है। अब मान लो इसमें फायदा कैसे होगा, आपको एक छोटा इंप्लीमेंट चलाना है जो बिल्कुल छोटा कम पावर लेता है, आपने क्या किया, आपने MRPTO लगाया, अल्टरनेटर है, आपने 4th गियर पर डाल दिया ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर बहुत स्पीड से घूमेगा बहुत कम आरपीएम पे, यानी 1-2 लीटर डीजल खाएगा आपका, और उसी समय आप रिवर्स पीटीओ को भी यूज कर सकते हो, गियर लगाया रिवर्स भी कर सकते हो, 540 में तो नॉर्मल है, तो आपको इसमें बहुत सारी स्पीड मिलने का ऑप्शन हो जाता है, बहुत सारी स्पीड्स मिलती हैं इसके अंदर आपको, जो उनसे गियर लगा दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा और रिवर्स, रिवर्स भी होता है और पहला चौथा 540 मिल ही रहा है आपको, तो इतने सारे ऑप्शन मिल गए इसके अंदर, इसके अंदर सारे के सारे इंप्लीमेंट ऑलमोस्ट चल जाते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लच हो तो और ज्यादा अच्छा रहता है ना, इंडिपेंडेंट क्लच बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो ट्रैक्टर चल रहा है, अगर आपने ड्यूल क्लच आधा दबाया तो स्पीड रुक गई, पूरा दबाया तो पीटीओ रुक गया। अब गड़बड़ है कि आपने ट्रैक्टर को, मतलब ऐसा आप सिचुएशन चाहिए ट्रैक्टर चलता रहे पीटीओ रुक जाए, ऐसा हो सकता है क्या, ये तो स्पीड चलती रहे पीटीओ चलता रहे ट्रैक्टर रुक जाए, ऐसा हो सकता है क्या, या ट्रैक्टर रुक जाए स्पीड पीटीओ चलता रहे, दोनों में उल्टा सीधा होता रहे, कोई सी भी एक रुक जाए, तो वो सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लच में होता है, जिसको हम आगे और समझेंगे। तो ग्राउंड पीटीओ हो गया कि रिवर्स में उल्टा घूमता है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन टाइप की, ट्रांस होता क्या, जब भी पीटीओ आता है पहले इंजन से पावर आती है
क्लच बॉल, क्लच में क्लच से आती है गियर के अंदर, सीधा गियर से पीछे निकल के जो पीटीओ जाता है, जो सिंगल क्लच होता है उसके अंदर गियर से ही पीछे निकल के चला जाता है पीटीओ के अंदर। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइप। जनरली सिंगल 540 इसी में ही मिलता है, अगर ट्रांसमिशन है तो सिंगल 540 मिलेगा। लेकिन अगर ट्रांसमिशन से नीचे एक सीधी शाफ्ट होती है पीछे नीचे वाली, उससे सीधा पीटीओ बाहर निकाल दिया जाता है, यानी वो इंडिपेंडेंट होता है। उसको जनरली हम लाइव पीटीओ भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट पीटीओ भी कहते हैं। लाइव पीटीओ नाम है कि आप कभी भी पीटीओ जिंदा है, कभी भी आप उसको जिंदा कर सकते हैं, वो जिंदा है। क्लच दबाया जिंदा हो गया, क्लच दबाया बंद हो गया। इंडिपेंडेंट मतलब वो ट्रांसमिशन पे ही नहीं, सीधा उसका ट्रांसमिशन पीछे दे रखा है। तो इस तरह से सारे पीटीओ हैं, पीटीओ हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, लोग बाग ग्राउंड पीटीओ का बड़ा नाम लेते हैं। ग्राउंड पीटीओ क्या होता है ये, क्योंकि ट्रैक्टर तीन तरह से करता है, एक टायर घूमते हैं और एक पीटीओ घूमता है और एक लिफ्ट यूज होती है, तो तीन तरह के काम मेजरली ट्रैक्टर करता है। क्योंकि बाहर अब ट्रैक्टर खुद तो कुछ बनाता नहीं है ना, बाहर हम उसकी ताकत को यूज करते हैं। अब ग्राउंड पीटीओ कैसे होता है, ग्राउंड पीटीओ के अंदर होता है, जैसे ग्राउंड पीटीओ का गियर लगाया तो जैसे टायर की स्पीड है उसी के हिसाब से आपकी पीटीओ की स्पीड हो जाएगी, यानी एक चक्कर टायर एक चक्कर पीटीओ। और बहुत सारी कंपनियां इसको देती हैं 20,000 से 50,000 रुपए, बोलती हैं ज्यादा लेंगे हम, लेकिन ये काम कहां आता है दोस्तों, ये बहुत ही कम जगह काम आता है। ये सिर्फ और सिर्फ जब पीछे फोर ट्रॉली को ड्राइव देनी होती है या पीछे कोई बराबर चीज चलानी होती है जो टायर के बराबर हो, तो तभी काम में देता है, वरना ज्यादा काम का नहीं होता है। और ग्राउंड पीटीओ बोल के बेचते रहते हैं ना। तो ये पूरा पीटीओ को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, जब भी आप ट्रैक्टर लेते हैं तो पीटीओ को इतना समझिए ताकि आपका निर्णय सही हो। और जैसे ही आप पीटीओ का पीछा इंप्लीमेंट लेंगे, आपका ट्रैक्टर सही चलेगा, आपका डीजल का एवरेज अच्छा आएगा, हर एक चीज अच्छी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अब ट्रैक्टर बहुत सारी चीजों का निर्मिल होता है, इसमें टायर होते हैं, मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूंगा क्योंकि कम से कम मैं 50 वीडियो भी बनाऊंगा ना तब भी यह पूरा नहीं होता। ट्रैक्टर इतना बड़ा होता है क्योंकि ट्रैक्टर को समझना, क्योंकि उसको बार यूज करना है। ये कार तो नहीं है ना आज ली और चला ये एवरेज हो गया ना, इसको आपने अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करना है। जगह जगह के इस्तेमाल करोगे वैसा वैसा चीजें ठीक होती जाएंगी दोस्तों, है ना। ओके दोस्तों, इसी के साथ जय जवान जय किसान। किसानों के बड़े धरने चल रहे हैं अभी, शांति से धरने होनी चाहिए। और मानना तो यही है कि किसानों की मदद हमेशा होनी चाहिए क्योंकि बेचारों की बहुत मेहनत होती है, है ना। पर धरना भी शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए, है ना। ओके दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।